हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सर कॉर्नर में। आज मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर रीजनल डेवलपमेंट। ओके, इसको आप रीजनल ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं और रीजनल प्लानिंग। ठीक है, तो प्रेजेंट जो सिलेबस है उसमें आप रीजनल डेवलपमेंट यही मेन हेडिंग में देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग NTA UGC नेट ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पर दिसंबर 2019 से दिसंबर 2014, तो इतने साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो टोटल यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ 30 क्वेश्चन। ओके, 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ओके, तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, तो जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, NTA UGC नेट दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एसर्शन रीजन दिया गया है। एसर्शन में देखिए, द एग्रोपोलिटन अप्रोच टू रीजनल डेवलपमेंट पोस्टुलेटेड दैट रूरल डेवलपमेंट कुड बी बेस्ट परस्यूड बाय लिंकिंग इट टू अर्बन डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल। यहाँ पर बोला गया है कि रीजनल डेवलपमेंट तब पॉसिबल होगा जब रूरल डेवलपमेंट हम लोग जो है लिंक करेंगे अर्बन डेवलपमेंट से एट द लोकल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल पे जब रूरल डेवलपमेंट को अर्बन डेवलपमेंट से लिंकिंग करेंगे तब जो है रीजनल डेवलपमेंट जो है पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब बेस्ट पॉसिबल होगा, अच्छा अच्छे से हम लोग रीजनल डेवलपमेंट कर पाएंगे। रीजन देखिए, यहाँ पर तो लिंकिंग के बारे में बात किया है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, आप देखते हैं रीजन, ये आपका ट्रू हो गया। रीजन देखते हैं, द डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन वायर टेकन एज ए की फैक्टर्स इन एग्रोपोलिटन अप्रोच। देखिए ये सब फैक्टर जो है एग्रोपोलिटन अप्रोच का, ठीक है, टू रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल देखिए, कोई एरिया का रीजन का डेवलपमेंट के लिए ये एग्रोपोलिटन अप्रोच का ये जो है फैक्टर्स है। ठीक है, तो देखिए ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, एग्रीपोलिटन का अप्रोच का जो ये सब फैक्टर्स ये भी ट्रू है, ऊपर ये जो एसेंशन है ये भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए रीजन पे फैक्टर के बारे में बात किया, वहाँ पर बात किया गया था इंटरलिंकिंग, लिंकिंग के बारे में, रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है, ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एसर्शन रीजन दिया गया है। एसर्शन में देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव 3-tier सिस्टम्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 3 tiers है। 3 tiers कौन सा कौन सा है? एक ग्राम पंचायत GP, एक पंचायत समिति, ओके, पंचायत समिति एंड लास्टली जिला परिषद। ओके, जिला परिषद, ये 3 जो टायर है ये बिल्कुल सही है, 3 tiers है, जो क्या करता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्लानिंग करता है एग्जीक्यूटिंग करता है अपने दायरे के अंदर। ओके, और देखिए रीजन देखिए, ये तो हो गया रीजन। देखते आप, पंचायती राज एक्ट एम्पावर्ड लोकल बॉडीज पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग प्रोसेस। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पंचायती राज एक्ट में पावर दिया गया है लोकल बॉडीज सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, विलेज लेवल पर जो पार्टिसिपेशन करते हैं इन प्लानिंग प्रोसेस के लिए। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए इसका जो आंसर है ये लेकिन हो जाएगा 3, इसका आंसर 3 होगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शनल रीजन डिलिनिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। देखिए रीजन 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल रीजन
ओके, और एक फंक्शनल रीजन ये आपको पता है, और एक और भी होता है वर्नाकुलर रीजन, वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए मेन फंक्शनल रीजन, फंक्शनल रीजन डिलिमिनेट करते हैं किसके ऊपर बेसिस करके, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेसिस करके। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए ट्रांसपोर्ट इंटेंसिटी एंड कॉमोडिटी फ्लो इंटेंसिटी, नंबर 2 पे देखिए कॉमोडिटी फ्लो इंटेंसिटी एंड रिवर बेसिन, नंबर 3 पे फिजिकल फीचर्स एंड पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, एंड नंबर 4 पे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी एंड रेनफॉल पैटर्न। देखिए फंक्शनल रीजन पे देखिए इसका जो आंसर होगा ये है नंबर 1 ट्रांसपोर्ट इंटेंसिटी एंड कमोडिटी फॉलो इंटेंसिटी। ओके, नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द कोर पेरीफेरी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोर पेरीफेरी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने, ये जो मॉडल था किसने दिया था, तो इसका जो आंसर है नंबर 2 फ्रेडमैन। फ्रेडमैन ने दिया था ये वाला कंसेप्ट कोर पेरीफेरी मॉडल, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो देखिए कोर पेरीफेरी मॉडल क्या है, द कोर पेरीफेरी मॉडल शोज स्पेशियली हाउ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल अथॉरिटी इज डिस्पर्स्ड इन कोर और डोमिनेंट रीजन एंड द सराउंडिंग पेरिफेरल एंड सेमी पेरिफेरल रीजन। देखिए इसमें, बोला गया है कि देखिए ये जो कोर रीजन है यहाँ पर, ठीक है, तो कोर रीजन से देखिए ये जो पेरिफेरल रीजन है तो वो डिस्पर्स्ड है, मतलब हर चीज में डिफरेंशिएट है, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंस है, एक एक के ऊपर और दूसरा, ठीक है, कोर पेरिफेरी के ऊपर डिपेंडेंट है और पेरिफेरी कोर के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, देखिए रॉ मटेरियल जितने भी प्रोवाइड करता है ना, वो प्रोवाइड करता है पेरिफेरी से, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी एरिया से, रीजन से कोर को, ठीक है। और कोर क्या करता है, कोर करता है फिनिश प्रोडक्ट गुड्स प्रोवाइड करता है सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी रीजन को, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और ये देखिए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जॉन फ्रेडमैन ने दिया था ये कंसेप्ट, आपको पता हैज गिवेन द कंसेप्ट ऑफ कोर पेरिफेरी इन हिज बुक, उनका बुक देखिए रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी, ये केस स्टडी ऑफ वेनेजुएला इन द ईयर 1966। ईयर लिख लीजिए आप कॉपी में, 1966 में दिया था, और बुक था रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी ए केस स्टडी ऑफ वेनेजुएला, और किसने दिया था, जॉन फ्रेडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये जो क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये 2018 में आया था। लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखते हैं, लिस्ट 1 में देखिए मैक्रो रीजन है, लिस्ट 2 में मेसो रीजन है। ये देखिए ये जितने भी रीजन है इंडिया में, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब इंडिया इंडिया से लिया गया है। ओके, तो हम लोग फटाफट में आते रहते हैं। सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन देखिए, सेंट्रल रीजन यहाँ पर देखिए कौन सा रीजन है, सेंट्रल रीजन में है आपका बस्तर रीजन, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये छत्तीसगढ़ में। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही बोला, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ये सेंट्रल रीजन हो गया। वेस्टर्न, वेस्टर्न होगा सौराष्ट्र, ये गुजरात में लोकेटेड है। ओके, वेस्टर्न हो गया सौराष्ट्र, एंड साउदर्न, साउदर्न हो गया मलनाड, मलनाड जो है आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड ईस्टर्न, ये आपको पता है ये दामोदर वैली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ओके, तो इसका जो आंसर है नंबर 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल रीजन, ये बस्तर छत्तीसगढ़ स्टेट में है, वेस्टर्न सौराष्ट्र गुजरात में है, साउदर्न मलनाड कर्नाटका में है, ईस्टर्न रीजन दामोदर वैली ये आपका झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जुलाई 18 में पूछा गया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दो लिस्ट दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में है नेम ऑफ स्कॉलर डेवलप स्कीम फॉर डेलिनिएशन ऑफ प्लानिंग रीजन, एंड नंबर 2 पे है नंबर ऑफ मेसो रीजन, ठीक है। यहाँ पर स्कॉलर का नाम दिया गया है और इन्होंने कितना मेसो रीजन, मतलब हिस्सों में कितना रीजन में डिवाइड किया था, मैक्रो रीजन और मेसो रीजन, तो यहाँ पर दिया गया है बस मेसो रीजन में, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको दे दूंगा मैक्रो रीजन प्लस मेसो रीजन दोनों चीज, ओके, जो हेल्प करेगा आपका नेक्स्ट जो यूबीसी नेट एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प करेगा। ओके, तो इसका जो आंसर है देखिए, सॉरी फटाफट
फटाफट मैच रहता है इसको। फर्स्ट देखिए भाट एंड प्रकाश राव, भाट एंड प्रकाश राव इसका जो मेसो रीजन है वो है 51, ठीक है। पी सेन गुप्ता, पी सेन गुप्ता का मेसो रीजन है 42 रीजन। एंड चंद्रगुप्ता शेखर, चंद्रगुप्ता शेखर का है 35 मेसो रीजन। एंड भी नाथ इनका है 48 मेसो रीजन। ओके, तो इसका जो आंसर है नंबर 4। यहाँ पर देखिए हमने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं भाट एंड प्रकाश राव को, देखिए 7 मेजर रीजन है और 51 मेसो, और इसको माइनर भी रीजन बोला जाता है। और पी सेन गुप्ता देखिए 7 मेजर एंड 42 मेसो रीजन, चंद्रगुप्ता का 13 मेजर रीजन और 35 मेसो रीजन, भीनाथ देखिए 15 मेजर रीजन एंड 48 मेसो रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज यूज्ड टू डेलिनिएट द नेशनल कैपिटल रीजन फॉर प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज, मतलब क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके नेशनल कैपिटल रीजन को डिलीनेट किया गया फॉर द प्लानिंग पर्पस। तो देखिए इसका आंसर है नंबर 4, फंक्शनल यूनिटी, फिजियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिग्यूटी। ये चारों क्राइटेरिया के ऊपर बेसिस करके नेशनल कैपिटल रीजन को डिवाइड, मतलब डिलीनेट किया गया फॉर द प्लानिंग पर्पसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2017 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स क्वेटेड मेयरली पैकिंग टुगेदर ऑफ एग्जिस्टिंग सेक्टरल और डिपार्टमेंटल प्लान्स डू नॉट ऑटोमेटिकली मेक एन इंटीग्रल प्लान। ए प्लान बिकम्स इंटीग्रेटेड ओनली व्हेन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस आर थॉरली एनालाइज्ड एंड इंटरलिंक्ड इन द एरिया ऑफ प्लानिंग आर क्लियरली स्पेसिफाइड। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डेफिनेशन है प्लान के ऊपर, प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इंटेग्रेटेड प्लान, ठीक है, फॉर द डेवलपिंग, फॉर द प्लानिंग पर्पसेस, ये किसने, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया था। ओके, तो इसका जो आंसर है ये है नंबर 4, ML दंतवाला। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट दामोदर वैली रीजन। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये देखिए दामोदर वैली रीजन से बिलोंग नहीं करता। तो फर्स्ट देखिए डेल्टाइक प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल, डेल्टाइक प्लेन ऑफ पद्मा रिवर, छोटा नागपुर प्लेटू एंड पलामो प्लेटू। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 2, डेल्टाइक प्लेन ऑफ पद्मा रिवर, ये तो बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि दामोदर वैली रीजन के ऊपर, ठीक है, ये तो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, तो ये तो पद्मा रिवर तो नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है डेल्टा एक प्लेन ऑफ पद्मा रिवर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड द डेफिनेशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि रीजनल प्लानिंग ये जो डेफिनेशन है किसने दिया था। रीजनल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड क्लासीफाइंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑर्डरिंग ऑफ एक्टिविटीज इन सुप्रा अर्बन स्पेस। ये डेफिनेशन किसने दिया था। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 4, जॉन फ्रेडमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2017 से है, क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मलाइज्ड द कंसेप्ट that there exists relationship between the spatial organization and national development. Who among the following formalized the concept that there exists relationship between the spatial organization and national development? Spatial organization and national development के बीच में एक relationship exist करता है। ये जो idea है, ये जो concept है, किसने दिया था, formalized किया था, ठीक है, ये दिया था फ्रेडमैन ने, नंबर 3 फ्रेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, हु रोड द बुक ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ये किताब किसने लिखा था, ठीक है,
तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मिश्रा राव एंड सुंदरम, इन्होंने जो है ये किताब लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोड द बुक एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स, रीजनल एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स ये किताब किसने लिखा था। नंबर 4, हैरी डब्ल्यू रिचर्डसन, रिचर्डसन का एक किताब है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स प्रेजेंटेड मॉडल दैट फॉर्मड द बेसिस ऑफ द प्लानिंग स्ट्रेटेजी इन द सेकेंड प्लान ऑफ इंडिया। कौन सा ऑथर प्रेजेंट किया था मॉडल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्लानिंग स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी के लिए वो एक भित्ति, ठीक है, बेसिस मतलब उसके ऊपर बेस करके प्लानिंग स्ट्रेटेजी किया गया था इन द सेकेंड प्लान ऑफ इंडिया, ये जो मॉडल था किसने दिया था, कौन सा ऑथर। नंबर 2, महलानोबिस, महलानोबिस ने ये मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016, जुलाई 2016 में, क्वेश्चन नंबर 15, विच अलॉन्ग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया एडोप्टेड द हैरोड डोमर ग्रोथ मॉडल, हैरोड डोमर जो ग्रोथ मॉडल है कौन सा 5 ईयर प्लान में इंडिया की एडोप्ट किया गया था ये मॉडल। तो इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956, इस 5 ईयर प्लान में ही हैरोड डोमर ग्रोथ मॉडल को एडोप्ट किया गया था। देखिए यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है 1951 टू 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एडोप्ट किया गया था, और ये मॉडल किसने डेवलप किया था, रॉय एफ हैरोड इन 1939 एंड एविस ए डोमर इन 1946। और देखिए, दिस मॉडल सजेस्ट दैट ग्रोथ वॉज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, ग्रोथ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ सेविंग्स, सिंस हायर सेविंग्स एनेबल ग्रो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, सेविंग के ऊपर बात किया गया कि अगर ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे तब हम लोग क्या कर पाएंगे, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड देखिए, लो कैपिटा आउटपुट रेशियो दैट इंश्योर्ड एफिशियंट इन्वेस्टमेंट एंड हायर ग्रोथ रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ रीजन है और लिस्ट 2 में आपका है डेफिनेशन, ठीक है। तो हम लोग फटाफट मैच बनाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम रीजन्स कौन सा है, प्रॉब्लम रीजन का डेफिनेशन देखिए। प्रॉब्लम रीजन का डेफिनेशन है आपका दोज रीजन्स व्हिच लो लिटिल सो लिटिल प्रॉमिस ऑफ डेवलपमेंट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। दोज रीजन व्हिच सो लिटिल प्रॉमिस टू डेवलपमेंट इन द नियर फ्यूचर, जो नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर है वह उसमें देखिए लिटिल प्रॉमिस है डेवलपमेंट के ऊपर, ये हो गया आपका प्रॉब्लम रीजन। ओके, देन मेजर रीजन, मेजर रीजन देखिए, दोज हैव मिनिमम डिस्पैरिटीज विद इन एंड डिस्टिंक्टनेस फ्रॉम देयर नेबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल कैरेक्टर एंड रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। जहाँ पर देखिए मेजर रीजन वो रीजन है जहाँ पर मिनिमम बहुत कम डिस्पैरिटीज है, ठीक है। एंड नंबर 3, प्रोस्पेक्टिव रीजन्स, प्रोस्पेक्टिव रीजन्स देखिए जहाँ पर इमेंस रिसोर्स पोटेंशियल्स है बट फेस सोशियो इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स टू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये प्रोस्पेक्टिव रीजन्स हैं। एंड डायनामिक रीजन्स, डायनामिक रीजन वो रीजन है सपोर्ट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एरियाज एंड प्रीडोमिनेंटली अर्बन पॉपुलेशन। ओके, तो इसका जो आंसर है नंबर 3, ठीक है, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ रीजन एंड डेफिनेशन, ये कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्लानिंग। देखिए प्लानिंग के लिए आपका चार प्रोसेस है, ठीक है, चार, ठीक है, चार स्टेजेस में प्लानिंग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए परसेप्शन, रेवलेशन, प्रिपरेशन एंड एवोल्यूशन। तो क्या यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ऐसा है जो प्लानिंग का प्रोसेस ही नहीं है, तो वो जो है नंबर 4, एवोल्यूशन। तो ये जो है प्लानिंग का प्रोसेस नहीं है, तो प्लानिंग का प्रोसेस जो है
परसेप्शन है, रिलीवेशन है, परसेप्शन है और लास्टली एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए एवोल्यूशन लिखा गया, ये नहीं होगा, ये होगा एग्जीक्यूशन। ओके, ये और ये जो प्लानिंग का प्रोसेस दिया गया था ये बेंटन मैके ने दिया था, बेंटन मैके। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ रीजनल साइंस। फादर ऑफ रीजनल साइंस किसको बोला जाता है, वो है वाल्टर आइजर्ट। नंबर 2, वाल्टर आइजर्ट जो है फादर ऑफ रीजनल साइंस है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स बिलीव दैट एवरी डेलिबरेट एक्शन मस्ट स्टार्ट इन द माइंड द रियल्म ऑफ थॉट, इट मस्ट बी कंसीव्ड एंड रिहर्स्ड इन द रियल्म ऑफ थॉट बिफोर इट कैन टेक प्लेस इन द फिजिकल। देखिए ये डेफिनेशन किसने दिया था, ठीक है, ये जो है बेंथन मैकर का प्लानिंग प्रोसेस है। ओके, नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो दिसंबर 2015 से है, 2015 से 15 में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन देखिए 20, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मैक्रो एंड मेसो रीजन्स वर डिलिनेट बाय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। कंट्री टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का है, ठीक है, तो कितने मैक्रो एंड मेसो रीजन डिलिनेट किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है नंबर 4, 13 मैक्रो रीजन एंड 35 जो है मेसो रीजन में डिलिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2015 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21, टू स्टडी रीजनल इम्बैलेंस एंड रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वार अप्लाइड वॉज अप्लाइड। देखिए इंडिया का रीजनल इम्बैलेंसेस एंड रीजनल डिस्पैरिटीज को स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाइड किया गया था, तो देखिए इसका जो आंसर है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस नंबर 3, ये मेथड अप्लाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन थ्रस्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग इज, रीजनल प्लानिंग का मेन थ्रस्ट एरिया क्या है। ठीक है, तो मेजर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिमूव एरियल डिस्पैरिटी, एक रीजन्स का दूसरे रीजन में, मतलब रीजन का जो डिस्पैरिटी है, जो प्रॉब्लम है वो रिमूव करना। ठीक है, ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन थ्रस्ट एरिया है रीजनल प्लानिंग का। क्वेश्चन नंबर 23, रीजनल ग्रोथ मॉडल बाय डॉगलस सी नॉर्थ एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ डैश फैक्टर इन रीजनल ग्रोथ। रीजनल ग्रोथ मॉडल बाय डॉगलस सी नॉर्थ एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ डैश फैक्टर, कौन सा फैक्टर के ऊपर एम्फसाइज किया था इन द फॉर द रीजनल ग्रोथ। ओके, इन्होंने फोकस किया गया था, एम्फसाइज किया था एग्जोजेनस। ओके, एग्जोजेनस फैक्टर के ऊपर इन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉलोइंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स थ्रू ए सक्सेशन ऑफ सर्विस सेंटर्स ऑफ वेरिंग सिग्निफिकेंस। यहाँ पर बोला गया है कौन सा ऐसा, ठीक है, रीजन्स है। देखिए यहाँ पर चार रीजन दिया गया है, हेटेरोजेनस, होमोजेनियस, नोडल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है फॉलोइंग अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड जाता है फिर डाउनवर्ड, ठीक है, थ्रू ए सक्सेशन, एक सीक्वेंस यह ली जाता है, ठीक है, ऑफ सर्विसेज सेंटर्स फॉर वेरिंग सिग्निफिकेंस। ठीक है, कौन सा ऐसा रीजन में, तो इसका जो आंसर है नोडल रीजन। ठीक है, जहाँ पर एक सीक्वेंस यह ली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रीजन में सेंटर्स में जाता है फॉर द वेरिंग सिग्निफिकेंस, तो इसका जो आंसर है नोडल। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग रीजन्स डेवलप्स अलोंग दी ट्रांसपोर्टेशन लाइन एंड इरीगेशन चैनल। इरीगेशन चैनल एंड ट्रांसपोर्टेशन लाइन की देखिए अलोंग में कौन सा प्लानिंग रीजन डेवलप होता है। ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन लाइन है ये, और यहाँ पर देखिए कौन सा डेवलप रीजन डेवलप होता है, तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 3, एक्सियल डेवलपमेंट रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 से है, क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 13 माइक्रो प्लानिंग रीजन। इंडिया को 13 माइक्रो प्लानिंग रीजन में डिवाइड किया गया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैव डिलिनिएट प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा स्कॉलर है जो ये 13 मैक्रो प्लानिंग रीजन में डिवाइड किया था, तो इसका जो आंसर है नंबर 2, सॉरी यहाँ पर ये बी सी डी है, नंबर बी आर पी मिश्रा, के वी सुंदरम एंड वी एल एस प्रकाश राव। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स डिफाइंड रीजन एज ए ज्योग्राफिक एरिया यूनिफाइड कल्चरली, यूनिफाइड एट फर्स्ट इकोनॉमिकली एंड लेटर बाय सेंसस ऑफ थॉट एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इट सी व्हिच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर एरियाज। ये जो डेफिनेशन है किसने दिया था, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 4, नंबर डी के योंग ने ये डेफिनेशन दिया था। ये डेफिनेशन लेकिन बहुत अच्छा है, मीनिंग बहुत अच्छा है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 में है प्लानिंग प्रोग्राम्स, लिस्ट 2 में है एसोसिएट फीचर्स। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, इसका जो एसोसिएट फीचर है वो है ग्रीन बेल्ट, मेट्रोपॉलिटन को ग्रीन बेल्ट एसोसिएट फीचर्स है इसका। देन ट्राइबल एरिया प्लानिंग, सोशल एंड कल्चरल सेंसिबिलिटी, इसका जो है नंबर 3, सोशल एंड कल्चरल सेंसिबिलिटी। और नंबर सी देखिए JNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल, सॉरी रिन्यूअल मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ओके, इसका जो फीचर्स है वो है अपग्रेडेशन ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर, नंबर 2, अपग्रेडेशन ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर। देन लास्टली है रिवर बेसिन प्लानिंग, रिवर बेसिन प्लानिंग, इसका जो आपका एसोसिएट फीचर्स है वो है नंबर 1, कमांड एरिया। तो इसका जो आंसर है नंबर 4, नंबर 4 पे देखिए इसका जो मैचिंग है लास्ट से ऊपर तक, देखिए नंबर 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड न्यू मेथड टू मेजर रीजनल इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए कौन सा स्कॉलर जो है एक नया मेथड दिया था जो मेजर करता है रीजनल इम्बैलेंसेस को फॉर द डेवलपमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर है नंबर 4, ये कुंडू। क्वेश्चन नंबर 30, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वॉज इनिशिएटेड प्राइमरीली टू, देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट प्राइमरीली इनिशिएट किस किस चीज़ के लिए किया गया था। ओके, तो इसका जो आंसर है नंबर 3, ब्रिंग आउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस थ्रू सेल्फ हेल्प, ब्रिंग आउट ओवरऑल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात किया गया है, ऑफ द विलेजेस थ्रू सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प करके, ठीक है, खुद से जो हेल्प करके देखिए विलेजेस को ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करें, इसका जो है प्राइमरीली, ठीक है, इसके लिए ही प्राइमरीली द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला लेक्चर ख़त्म हो रहा है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह जो सीरीज चला रहा हूँ अपने चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। अगर इस लेक्चर को, इस तरीके का लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपका आइडिया बन जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, एक आइडिया बन जाएगा और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।